आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ डेनवर की ही एक फ्रेग्रेंस का रिव्यू, जिसका बॉक्स आप लोग अपने सामने देख रहे हैं और ज्यादातर लोग इस फ्रेग्रेंस के बारे में जानते होंगे, जो कि है डेनवर की हैमिल्टन। इस तरीके के ग्रीन बॉक्स में आती है और इसका डीओ भी आता है जो कि ग्रीन कलर में ही आता है, जिसकी बॉटल ग्रीन कलर में ही होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डेनवर का लोगो आपके सामने और ये बॉक्स है, इसको मैंने अनबॉक्स किया हुआ है जिससे कि हम लोग का समय बचे वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इस बॉटल को निकाल के देखते हैं। ये रही इसकी बॉक्स का आउटर कवर, आजकल बड़ा तेम जाम रहता है परफ्यूम की बॉटल्स में। अब ये देख लीजिए कि कितना बड़ा बॉक्स है और बॉटल कितनी बड़ी है। हालांकि आजकल यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई है। चलिए 60 ml का कंटेंट है बॉटल को, फ्रेग्रेंस देखते हैं अब क्या किया जाए, आजकल सबको प्रॉफिट चाहिए, पैसा ज्यादा ले लो और क्वांटिटी कम दो। इस तरीके की बॉटल आपको मिल जाएगी जो कि मैंने बताया ये परफ्यूम वर्जन है, और ये जो लिखा हुआ है इसको उद परफ्यूम बोलते हैं, पढ़ने में लगता है यूटी परफ्यूम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन उद परफ्यूम है। 60 ml का कंटेंट है, डेनवर हैमिल्टन आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये यहाँ पर आप देखिए, एक छोटी सी बॉटल है, अच्छी सी बॉटल है। ये कैप है इसका, एक सॉलिड कैप दिया है इन्होंने, ये नहीं कि दबाने पर दब रहा हो कहीं से भी, ऐसा नहीं है। ये रही इसकी बॉटल, और स्प्रेयर वगैरह भी इसका मुझे अच्छा लगा था, एक आध स्प्रे करके देखते हैं। तो एक ऐसे बार्बर या सलून टाइप स्मेल नहीं होती है जब आप लोग या हम लोग जाते हैं शेविंग कराने जाते हैं, शेविंग क्रीम और शेविंग फोम वगैरह की स्मेल आती है जो, तो इस तरीके की स्मेल मुझे जैसे मिली पहली बार में। तो हालांकि नोट्स की अगर बात करें तो टॉप नोट्स में आपको अंबर और सेडार इसमें मिलेगा, कुछ हद तक आपको लेवेंडर के नोट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी है, और फ्लोरल्स के भी हिंट मिलेंगे आपको, बर्गमॉट का भी आपको एहसास ये फ्रेग्रेंस कराएगी, और थोड़े बहुत जास्मिन के हिंट्स भी आपको मिलेंगे ओक मॉस के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा कि 60 ml का कंटेंट है, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, छोटी सी बॉटल है, लेकिन बस ये है कि अभी परसों ही मैं इस फ्रेग्रेंस को परचेज किया मैंने और लेके आया, अपने कपड़े पे भी लगा के देखा है मैंने। तो शुरुआत के ये है कि 2 से 2.5 घंटे तो ठीक है, थोड़ा कपड़े पे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब खिल रही है फ्रेग्रेंस, लेकिन उसके बाद काफी माइल्ड हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा ये कपड़ों पर रहेगी। और देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आपको पसीना कितना आता है, देखिए अगर पसीना ज्यादा आता है तो फ्रेग्रेंस का टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रीअप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेग्रेंस ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत कोई डिफरेंट है, बहुत कोई अलग है कि अरे भाई ऐसी फ्रेग्रेंस आज तक नहीं मिली, ऐसा नहीं है। अब सबके अलग अलग टेस्ट की बात है। देखिए जैसे मैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में कह रहा हूँ कि नहीं बहुत कोई अलग नहीं है और ऐसा है, तो हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगी हो, किसी को बहुत अलग लगे। तो चलिए, हालांकि ये सब अपने अपने टेस्ट की बात होती है। डेनवर की सारी सीरीज में मुझे रॉयल ऊद इसका जो एक वेरियंट आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत एक अलग लगी और इसीलिए मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। अब जाना क्या है कि उसका डीओ वर्जन तो आता है मार्केट में लेकिन परफ्यूम वर्जन रॉयल ऊद का नहीं आता है, अब ऐसा क्यों है, अब ये तो वनेसा वालों से ही पूछा जाए। अब जहां तक डेनवर की बात करें, ये जो प्रोडक्ट है इसको वनेसा सेल करती है, मैन्युफैक्चर करती है, और इनका एक और प्रोडक्ट है जो कि आप लोग जानते हैं, उसका नाम है एनवी। तो एनवी और डेनवर दोनों प्रोडक्ट इन्हीं के हैं, वनेसा वालों के। अब जहां तक देखिए लॉन्जिविटी की बात है, लॉन्जिविटी मैंने आपको बता दी, कपड़ों पर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 घंटा बस। हाँ एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि इसका डीओ वर्जन मार्केट में अवेलेबल है जो कि ग्रीन बॉटल में ही आता है, और 200 रुपीज तक का या 210 रुपए तक का वो पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा सौदा आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपको किसी को ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है तो इसका डीओ खरीदे, स्किन पे बढ़िया डीओ लगाए और कपड़े पे परफ्यूम लगाए, तब आपको इसका प्रोजेक्शन भी अच्छा मिलेगा और इसकी लॉन्जिविटी भी अच्छी मिल जाएगी। हाँ ये हो सकता है, आप लोग ये कर सकते हैं।
तो हालांकि देखिए फ्रेगरेंस का सबका टेस्ट अलग अलग है, किसी को कुछ फ्रेगरेंस पसंद है, किसी को कुछ फ्रेगरेंस पसंद है, लेकिन ठीक है क्वालिटी 300 रुपीज़ का ये मुझे ये पड़ा था। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये बॉक्स, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, काफ़ी धुंधला हो रहा है। हाँ 60 ml का कंटेंट है, 300 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा था। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये फ्रेगरेंस जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से मुझे कॉस्टली लग रही है ये। हालांकि चलिए 60 ml का कंटेंट आपको 300 में है, इसका 100 ml का कंटेंट भी आता है, वो शायद 450 रुपये तक का मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि रिटेल से खरीदिएगा, रिटेल में थोड़ा सा भाई फेक्स का खतरा कम रहता है, और ये हर बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस फ्रेगरेंस से, क्योंकि कपड़े पर भी मैंने लगाया हुआ है और 2.5 से 3 घंटा मैक्स रहती है, उसके बाद काफ़ी माइल्ड हो जाएगी, मतलब आपको नाक वहाँ तक ले जानी पड़ेगी जहाँ पर आपने लगाया है इस फ्रेगरेंस को, तब आपको ये फ्रेगरेंस मिलेगी, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। हाँ डियो के साथ अगर आप एक कॉम्बिनेशन में इसको अप्लाई करते हैं कि परफ्यूम आप कपड़े पर लगाएं और डियो स्किन पर लगाएं, हाँ तो ये फ्रेगरेंस लाजवाब आपको लगेगी और इसकी जो लॉन्जिविटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे बताने के तरीके में एक्सप्लेनेशन में अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।